फिल्म अभिनेता प्रवीण डबास और अभिनेत्री प्रीति झिंगियानी ने फेक न्यूज को एक बड़ी चुनौती बताया है। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेत्री प्रीति झिंगियानी एवं एक्टर प्रवीण डबास ने शिरकत की। अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों में राज करने वाली मोहब्बत फेम एक्ट्रेस प्रीति झिंगियानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। आप सभी बहुत ही मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप फिल्म जर्नलिज्म के बारे में पढ़ें, उससे समझें और जितना हो सके फिल्में देखें, उनके बारे में स्टोरी व आर्टिकल लिखें। आगे एक्ट्रेस ने कहा, आप जितना हो सके प्रयास करें आगे बढ़ने के लिए। हम दोनों स्पोर्ट्स और बॉलीवुड को उनमें एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज एंटरटेनमेंट। लोग स्पोर्ट्स को भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और बॉलीवुड को भी एंटरटेनमेंट। सो हम जिस तरह से प्रो पंजा लीग को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ऑडियंस के सामने, वो एक बहुत पावरफुल स्पोर्ट भी है और एक बहुत एंटरटेनिंग स्पोर्ट भी है। सो आई थिंक एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। बट मैं ये तो जरूर कहूंगी कि आइडिया जो प्रो पंजा लीग का था वो प्रवीण जी का था, और फिर हमने उसे साथ में जो ग्रो किया स्पोर्ट। वहीं एक्टर प्रवीण डबास ने कहा कि पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है फेक न्यूज, जिसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। अतः विद्यार्थी सच्ची व अच्छी पत्रकारिता करें और ये नहीं देखें कि किसको क्या मिला है। आपको कम या ज्यादा मिल सकता है किस्मत से, लेकिन बड़ी सफलता आपको अपनी मेहनत से हासिल करनी है। आप ऐसे ही प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्पोर्ट के बारे में बात करने का, एक ग्रास रूट लेवल पे इसको ग्रो करने का, एक तो हम बड़े लेवल पे लीग इसका लेके आ रहे हैं, दूसरा है हम स्टूडेंट्स और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके सामने ये बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम थैंक यू बोलना चाहेंगे दोबारा MCU भोपाल और प्रोफेसर सुरेश जी का, उन्होंने हमें इनवाइट किया। और ऐसे ही हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके ग्रास रूट्स लेवल पे सबको इस स्पोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ऑडियंस है नेक्स्ट जनरेशन। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति KG सुरेश ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि एक्ट्रेस प्रीति और डायरेक्टर प्रवीण यहाँ आए। आगे भी विद्यालय परिसर में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के लिए अलग पत्रकारिता विभाग की शुरुआत विद्यालय में की जाएगी। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज है, बस एक साल पुराना है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि देश का एकमात्र विभाग है जहाँ डिप्लोमा से लेकर PhD तक करवाया जाता है। और इसका शुरू ही इतना ग्रैंड हुआ था नेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इस फिल्म स्टडीज़ डिपार्टमेंट में हम बेहतरीन कलाकारों को, बेहतरीन लेखकों को, बेहतरीन सिनेमा निदेशकों को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लेकर माखनलाल क्योंकि भारत के मध्य में हैं, तो पूरे देश के विद्यार्थी इधर आएँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, तो वो आके यहाँ उसमें जो है अध्ययन करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।